हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आने वाले हैं दोस्तों, गिट्स का पैकेट है ये पंजाबी छोले, हीट एंड ईट इंस्टेंट बनाने वाला ये छोले का पैकेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये पैकेट है दोस्तों गिट्स का रेडी मील्स, और यहाँ पे देखेंगे आप हीट एंड ईट लिखा हुआ है। पंजाबी छोले देखिए, बढ़िया सा पंजाबी छोले का पिक्चर जो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे 2 सर्व है और लिखा है यहाँ पे 300 ग्राम इसका नेट वेट है। पीछे में यहाँ पे देखेंगे प्राइस 110 रुपीज़ है, और बनाने का तरीका ये देख सकते हैं आप, एज इजी एज ये। आप अगर आपके पास घर में गैस है उसमें आप बना सकते हैं, माइक्रोवेव है तो उसमें बनाने का तरीका भी दिया गया है। तो ये जो तरीका आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि बस हमें इसके अंदर जो एक पैकेट है, पाउच है, उसको हमें ओपन करना है और उसको हमें 3 से 4 मिनट सिर्फ हमें इसको बॉईल करना है, गर्म करना है, तो बस रेडी हो जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पे माइक्रोवेव में आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, एंटी द पैक कंटेन इन अ बोल सेकेंड माइक्रोवेव द बोल फॉर 1-2 मिनट्स। तो माइक्रोवेव में आपको बनाना है, बोल में आपको निकाल लेना है पाउच को काट के, और फिर उसको माइक्रोवेव में आपको 1 से 2 मिनट के लिए गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए रख देना है। तो दोनों ही तरीका बहुत सिंपल है। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पंजाबी छोले में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा है वाटर, चिक पीस, अनियन, टमाटो, सनफ्लावर, कोरिएंडर लीव्स, सनफ्लावर ऑयल है, कोरिएंडर लीव्स, चिली, जिंजर, सॉल्ट, घी, गार्लिक, कोरिएंडर सीड, क्यूमिन, कॉर्नफ्लोर, जगरी, कार्डमम, सिनेमन, मैस, काले, कोरिएंडर सीड, फेनुग लीव्स, ब्लैक पेपर एंड क्लोव्स। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि स्टोर इन अ क्लीन कूल ड्राई प्लेस फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इंसेक्ट पेस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑडर, सनलाइट एंड डस्ट। तो चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश पैकेट है देखिए, यहाँ पे अप्रैल में बना हुआ है और 12 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर यहाँ पे दिया है कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ये यहाँ पे साइड में देखिए दिया है नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड कलर फ्लेवर, मल्टी लेयर हैजिंग पैक। तो ये फ्रेश पैकेट गिट्स का न्यू पैकेट है, मुझे ये घर के पास के शॉप में मिला है 110 रुपये का। अमेजोन में आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फटाफट ओपन करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरह की हमें पाउच में ये मिलता है, यहाँ पे ऊपर में लिखा है डू नॉट हीट दिस पाउच डायरेक्टली इन अ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में हमें डायरेक्ट इसको हीट नहीं करना है, आपको एक बोल में निकाल लेना है, उसके बाद आप इसको गर्म कर सकते हैं। और अगर हम कढ़ाई में इसको हम गर्म करना है में, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स दिया है कि हमें इसको इस पाउच को कढ़ाई में बीच में रख देना है और इसे बॉयल कर लेना है 3 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे, कट करेंगे, ओपन करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चलिए दोस्तों और क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट यूज दिस पाउच इफ अ लीक और ब्लोटेड। अगर ये लीक है, डैमेज है, देख लेते हैं हम, नहीं है कहीं से भी डैमेज नहीं है। अगर लीक है, डैमेज है, तो आप इसको यूज मत करिएगा, फिर आपको ये वेस्ट हो जाएगा ये पैकेट, फिर मतलब है कि 110 रुपये का पैकेट वेस्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इसको मैं कढ़ाई में डालेंगे, तो कढ़ाई ले लेते हैं और उसको हम गर्म करेंगे, उसमें पानी भरेंगे। पहले इसमें हम डाल देते हैं पानी, थोड़ा ज़्यादा लेना है हमें, क्योंकि इस पाउच को हमें इस कढ़ाई में डीपली रखना है, तो पानी हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो पानी हमने भर दिया है इसमें, अब चालू करते हैं स्टोव को। मैं इसको आपको स्टोव में बनाने वाली हूँ, ये है फिलिप्स का स्टोव है मेरे पास, और इसमें हमें 180 मैंने कर दिया है इसको डिग्री सेल्सियस। तो पहले इस पानी को हमें गर्म करना है, अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पाउच को इसके अंदर डाल देंगे। तो 2-3 मिनट लगेगा तब तक के लिए, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये पानी अच्छे से बॉयल होने लग गया, धुआँ निकल रहा है, इसी टाइम पर हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और आप टाइमिंग सेट कर लीजिएगा, जब आप इसमें डालते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट तक ही इसको रखना है, बॉईल करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको बॉईल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए हम इसको इसमें डालते हैं,
इस तरह से किसी चीज़ से हम इसको डीपली में रख देते हैं इसको बॉयल होने के लिए, और एक मोबाइल ले लेते हैं, उसमें मैं टाइमिंग सेट कर लेती हूँ जल्दी से। मैंने सेट कर लिया है, मैं मोबाइल दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत पुराने ज़माने का मोबाइल है मेरे पास। तो इस तरह से हम इसको बॉईल करेंगे, गरम करेंगे, और जैसे ही थोड़ा बाहर मतलब ऊपर आता है पानी के ऊपर, तो आपको आने नहीं देना है इसको किसी चीज़ से, इस तरह से दबा देना है और कंटिन्यूसली इसको बॉईल करते रखना है आपको। धुआँ आ रहा है, वाह। तो आज हमें दोस्तों बहुत ही टेस्टी रेसिपी खाने को मिलने वाली है। इसके साथ आप बना सकते हैं चावल या तो पराठा। तो ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है, गर्म हो रहा है, तब तक आपको 3 मिनट के अंदर एक बोल निकाल लेना है और एक कैंची लेकर रखना है साइड में, ताकि हम तुरंत इसको काट के इसके अंदर से पंजाबी छोले प्लेट में निकाल सकें या बोल में। तो ये मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, और ये देखिए यहाँ भी अच्छा बॉईल हो रहा है ये, और 2 मिनट हो गए हैं। तो 3 मिनट हो गया है, खाने वालों ने बता दिया है, बस हम इसको बंद करते हैं। अब तो इस तरह से हमें एक चिमटे की मदद से हम दोस्तों इस तरह से निकालेंगे और इसको लेके चलेंगे बोल की तरफ। ये यहाँ पे ले आएंगे हम और यहाँ रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको तुरंत लेते हैं कैंची, मैंने साइड में रखा था। तो फटाफट हमें इसको इसमें निकाल लेना है, और देखिए मैंने कटिंग कर लिया, और ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नहीं है, ठीक है मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखा आपने, पूरा चाहिए भाई हमको। वाह क्या खुशबू आ रही है, जैसा ओपन किया सच में कमाल की खुशबू है सच में। हमने गर्मा गर्म बनाया है, देखिए मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ छोटा सा सांभार का टुकड़ा बीच में रखने के लिए। तो ये देखिए मैंने ले आया छोटा सा फ्रिज में से निकाल के और उसको धो के, ये देखिए सांभार का टुकड़ा ला लिया मैंने धो के, इसको हम रखेंगे यहाँ बीच में थंबनेल के लिए, साइड में करते हैं इसको। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 लोगों के लिए हम बना लिया हमने, और ये सच में 2 लोग आराम से खा सकते हैं, चावल खा सकते हो आप पराठा या फिर लच्छा पराठा। तो आपने देखा दोस्तों बहुत ईजी है इसे बनाना, और खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही बढ़िया खुशबू है, एकदम गर्मा गर्म तैयार है बन के, हमने बना लिया गैस में। और थोड़ा सा खा के बताती हूँ मैं आपको, आपको ना दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा आपको चेक करके बता ही देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा उम्दा और लजीज है। मैंने रोटी बना के ला लिया, चलिए अब इसमें हम लगाएंगे घी, क्योंकि पराठा नहीं बनाया है मैंने, इसलिए थोड़ा सा हम लगाएंगे इसमें घी। इसको आपको कैसा खाना है वो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए एक बार हमने लिया और इस तरह से डुबोया, 2 बार 3 बार जितना बन गए इतने बार बस को फिर। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है सच में, आप भी एक बार लाइए और ट्राई कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं एक हिस्सा गायब है, एक हिस्सा ये मेरा है, और
मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, 2 बज गया है करते करते। वो देखिए टाइम, टाइम आपको दिखाया मैंने, 2 बज रहा है। इसको बनाते बनाते आपके साथ शेयर करते करते तो इसका जो मेहनत है इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मतलब कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी बात पर एक और खा ही लेते हैं। मिला तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।